वहीं कोरोना काल के दौरान हरियाणा से सामने आए कथित रजिस्ट्री घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है और अब जांच की आज कई ऐसे अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर गिरने वाली है जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे। कोरोना काल में जहां दुनिया के सामने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की चुनौती थी, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कई शहरों में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर घोटाले किए जा रहे थे। कोरोना काल के दौरान हरियाणा में कई कथित रजिस्ट्री घोटाले के मामले सामने आए, तो इस मामले में अब संलिप्त अधिकारियों पर गाज गिरने शुरू हो गई है। जैसे ही इस कथित घोटाले की जांच का जिम्मा हरियाणा सरकार की ओर से एक खास कमेटी को दिया गया, कमेटी ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची निकालनी शुरू कर दी जिनके नाम कथित घोटाले में शामिल हैं। जो भी इलाके जहां धारा 7A अस्तित्व में है या कंट्रोल्ड एरिया अस्तित्व में है या और कोई शेड्यूल्ड रोड एक्ट इत्यादि अस्तित्व में है, वहां पे इस तरह का चलन ना हो और संबंधित विभाग, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज है, सभी संबंधित से NOC लेकर उसके बाद ही ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करी जाए। कथित घोटालों की इस जांच से एक बात तो साफ हो गई है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के बीच हड़कंप जरूर मच गया होगा। बता दें कि कमेटी ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के 234 से अधिक रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस बीच मामले में संलिप्त अधिकारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में हिसार, रोहतक, अम्बाला और फरीदाबाद के अंतर्गत पड़ने वाले बाकी 16 जिलों के अफसरों का नंबर है। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, बट यस, जो भी मामले हैं और जो भी लोग उसमें लिप्त थे किसी भी तरह की अनियमितता में, उनको सजा मिलेगी और यही सरकार का मंतव्य भी था और उसके ऊपर सरकार जब भी कार्रवाई करेगी तो आपको इतला जरूर मिलेगी। कार्रवाई भले ही देर से शुरू हुई है लेकिन मामले में संलिप्त कई अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं। देखना यही होगा कि अब कथित घोटाले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक।